Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Vyanet Health. दोस्तों, जब कभी भी हम गोंद की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में चिपचिपे एक पदार्थ का ध्यान आता है। गोंद का जिक्र लड्डुओं के साथ भी होता है, जिन्हें अक्सर प्रेग्नेंट महिलाओं को खिलाया जाता है। लेकिन क्या आपने गोंद कतीरे के बारे में कभी सुना है? हमारे घर के बुजुर्ग तो इन चीजों से अच्छी तरह से वाकिफ है। गोंद कतीरा उस गोंद से थोड़ा सा अलग होता है। असल में गोंद कतीरे की तासीर ठंडी होती है और यह गर्मियों में बेहद ही फायदेमंद होता है। ये पाचन गुणों के कारण आयुर्वेद में हर्बल औषधीय रूप में गोंद कतीरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गोंद कतीरे के फायदों के बारे में। नंबर एक, वजन घटाए। दोस्तों, गोंद कतीरा शरीर में जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके साथ ही ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए आप अपने वजन को घटाने के लिए गोंद कतीरे का सेवन जरूर करें। नंबर दो, मुंह के छालों में आराम। दोस्तों, मुंह के छाले सूजन, लाली और दर्द पैदा करते हैं। इसे कम करने के लिए आप गोंद कतीरे को बारीक पीस कर इसका पेस्ट बना लें और उसे छालों पर लगाएं। ऐसा करने से छालों में तुरंत आराम मिल जाएगा। नंबर तीन, ब्रेस्ट का आकार बढ़ाने में सहायक। दोस्तों, अगर आप अपने ब्रेस्ट का साइज बढ़ाना चाहती हैं, तो गोंद कतीरे का सेवन जरूर करें। इसके लिए आप एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच गोंद कतीरा रात भर के लिए भिगोकर रख दें। अगली सुबह इस फूले हुए गोंद कतीरे को आप दूध और मिश्री के साथ इसका सेवन करें। ऐसा करने से आपका ब्रेस्ट का आकार बढ़ जाएगा। नंबर चार, हाथ पैरों की जलन करें दूर। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में अक्सर हाथ पैरों में जलन होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में गोंद कतीरे को रात भर पानी में भिगोकर रख दीजिए, जिससे वह सुबह फूला फूला नजर आता है। इसे शरबत या नींबू पानी में डालकर खाने से आपके शरीर की गर्मी दूर हो जाती है और साथ ही हाथ पैरों में जलन दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।